गुड मॉर्निंग क्लास, इट इज़ अवर क्लास 7 साइंस वीडियो पार्ट 6. स्टूडेंट, इन अवर फर्स्ट वीडियो वी आर डिस्कसिंग अवर फर्स्ट चैप्टर. इन दिस वीडियो वी विल कवर अवर सेकेंड चैप्टर विच इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल कैसे होता है. एंड इन फर्स्ट चैप्टर वी कवर हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. वी स्टडीड द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अवर फर्स्ट चैप्टर. नाउ वी विल कवर हाउ एनिमल्स मेक देयर फूड. एंड animals are the example of, according to our first chapter, they are heterotroph. It means they depend on other organisms for the intake of food. Okay, so let's start our second chapter. The basic first is introduction about the different steps in the nutrition. So class, any food which provides us energy, which gives us protein, carbohydrate, glucose, they are the nutrients. From them we get energy. ये हमने first chapter में भी cover करा था कि nutrient क्या होते हैं. Such energy bound foods आर नोन एज न्यूट्रिएंट. जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हमें फूड है, फूड से हमें विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वी ऑब्टेन देम फ्रॉम फूड. सो दे आर द न्यूट्रिएंट. नाउ अवर बॉडी मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. वी ऑल नो दैट द रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग अवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड. इट मीन्स जितने भी रॉ मटेरियल हैं हमारी बॉडी को ग्रो, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सब हमें कहाँ से ऑब्टेंड होता है? फूड से. और वो एंड दे आर रॉ मटेरियल विच वी ऑब्टेन फ्रॉम फूड आर द न्यूट्रिएंट. एंड व्हाट डज फूड, फूड हमारी बॉडी को नॉरिश प्रोवाइड कराता है. इट मीन्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशियंट, एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग कीप अस हेल्दी. अब वी नो दैट कि हम जो भी फूड इनटेक करते हैं वी गेट एनर्जी फ्रॉम इट. ओके स्टूडेंट्स, बट हाउ वी इनटेक अ फूड, देयर आर मैनी स्टेप्स व्हेन वी इनटेक अ फूड. क्योंकि बिकॉज आपने जब फूड है आप माउथ में रखते हो तो वो स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से रेक्टम. द होल प्रोसेस वी विल डिस्कस. एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर द फर्स्ट स्टेप, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो सारे इस प्रोसेस के थ्रू दे ऑल नीड दीज स्टेप्स. ऑल फूड्स that animal eat undergo two of the following steps. जितने भी foods हम intake करते हैं they go through with these steps. First is ingestion, second one absorption, fifth step, second is digestion, fourth is assimilation. So what does ingestion mean? First we'll understand with a diagram. Ingestion means जब when we put a food in our mouth, जब हम food mouth में रखते हैं तब that process is known as ingestion. You can understand in means when we put the food in our mouth. Then next step, next when the food goes through food pipe to the stomach, जब stomach में ट्रांसफ़र होता है, स्टमक में रीच करता है, देन इट इज़ अ डाइजेशन. नेक्स्ट देन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टूडेंट्स, इसका सिर्फ मेन स्मॉल इंटेस्टाइन है बट इट इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ 9 सेंटीमीटर मे बी.
स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ नेम स्मॉल है बट इट इज़ वेरी लॉन्ग. ओके देन एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन. इन एब्जॉर्प्शन द फूड गोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू विच जो न्यूट्रिएंट हमें फूड से प्रोवाइड होते हैं दे गेट एब्जॉर्ब इन ब्लड थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इट इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन. जो हमने फूड इनटेक किया फिर जो यहाँ इतनी सारी प्रोसेस होती हैं देन जो न्यूट्रिएंट ऑब्टेंड होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं इन द ब्लड थ्रू विच वी गेट एनर्जी विच हेल्प इन डेवलपमेंट मेंटेनेंस. नेक्स्ट स्टेप इज असिमिलेशन. आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड मटेरियल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल. मतलब जो हमारा फूड एब्जॉर्ब हुआ है अब इट विल कन्वर्ट इन टू प्रोटीन विच इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल्स और यू कैन कॉल इट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल विच हेल्प इन ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. इट इज़ नोन एज असिमिलेशन. नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन. Excrete out of our waste, it's known as azation. Now, we will discuss one by one. First, inzation. Inzation, the process of inzation involves taking in of food through the mouth. इंटू माउथ कैविटी. मैंने क्या बताया था मैं कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवर ईटिंग हैबिट इज वेन हम जो भी फूड है वेन वी पुट इन द माउथ इट्स अ इंजेशन. एंड डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ इंजेशन और फीलिंग. जितने भी एनिमल्स हैं हर एनिमल्स का डिफरेंट फीडिंग हैबिट होती है. फीडिंग मीन्स किस तरीके से वो खाना फूड इनटेक करते हैं. लाइक दिस इज सकिंग एग्जांपल लीच इट सक द ब्लड सकिंग ब्लड. सो इट इज़ द फीडिंग हैबिट ऑफ लीच. लाइक दिस इज नॉर्मल जो पैट होते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनमें लीच ग्रो करती है. दे एक्ट द एनिमल एक्ट एज होस्ट फॉर देम और दे सक ब्लड फ्रॉम देम. सो द फीडिंग हैबिट मतलब खाने का तरीका हर किसी का खाने का एनिमल का अलग होता है डिफरेंट होता है. सो द हैबिट ऑफ लीच इज सकिंग. नेक्स्ट स्वॉलिंग. स्वॉलिंग लाइक स्नेक. स्नेक स्वॉलो द लिजर्ड इट नेवर ईट. आपने डिस्कवरी चैनल पे यू ऑलवेज सी देम. नेक्स्ट च्यूइंग. काउ बफेलो ईट ग्रास इट च्यू. नेक्स्ट कैप्चरिंग लाइक फ्रॉग इट कैप्चर द इंसेक्ट विद द टंग. नेक्स्ट इज सिफोनिंग नेक्टर. सिफोनिंग मीन्स सकिंग ऑफ फ्रूट नेक्टर लाइक बटरफ्लाई यू कैन सी इन द पिक्चर. हनी बी बटरफ्लाई दे ऑल हैव अ सिफोनिंग फीडिंग हैबिट. नेक्स्ट सो इट इज़ अबाउट द इंजेशन कि हम फूड माउथ में इनटेक करते हैं माउथ में रखते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा ईटिंग हैबिट का होता है इट्स इंजेशन. और हर एनिमल्स का डिफरेंट होता है जैसे कि सकिंग स्वेलिंग च्यूइंग कैप्चरिंग. नेक्स्ट आता है डाइजेशन. अब स्टूडेंट आप एज्यूम कीजिए जैसे आप खाना अपने माउथ में रखा तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. अब यू हैव टू थिंक अब हमने माउथ में रखा नेक्स्ट इट विल गो टू द ऑब्वियसली स्टमक थ्रू द फूड पाइप. सो अब स्टमक में कैसे डाइजेशन. The process involves breaking down or conversion of complex food material such as carbohydrate, fat, protein, etc. into small
सॉल्युबल सब्सटेंस मीन्स आप कोई भी फूड जो है व्हेन यू इनटेक तो वो डायरेक्टली तो वो स्टमक में नहीं जाएगा, इट विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। लाइक जैसे आप कोई भी चपाती का कॉर्ड रखते हो, देन पहले वो स्मॉलर पार्टिकल्स में डिसोसिएट होता है, देन इट विल गो टू द स्टमक। सो इट इज़ द डाइजेशन प्रोसेस वेयर इट कन्वर्ट वेयर द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट इंटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड फूड अंडर गो बोथ फिजिकल और केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग डाइजेशन। फिजिकल चेंज जिसमें कि जो फूड था जो कॉर था वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटा वो हो गया फिजिकल। केमिकल चेंज जो उसमें न्यूट्रिएंट है वो दे गेट डिजॉल्विंग इन अवर स्टमक। ओके, ब्रेकिंग ऑफ फूड इंटू स्मॉल पीसेस बाय टीथ इज द फिजिकल चेंज। मैंने अभी बताया कि जो हम कॉर रखते हैं जब वो कॉर स्मॉल पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट होता है इट्स अ फिजिकल चेंज। एंड द सब्सिक्यूएंट एक्शन ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड टू फॉर्म सिंपल सब्सटेंसेस केमिकल चेंज। और जो हमारी बॉडी में इतने सारे स्टमक में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं दे स्टार्ट सीक्रेटिंग टू डिजॉल्विंग द स्मॉलर फूड प्रोडक्ट। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। सो वी हमने पढ़ा वी स्टडी इंजेशन एंड डाइजेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन और फर्दर स्टेप। ओके।